यामा ने भारतीय बाजार में अपनी नई थीम की पेशकश की है, जिसका नाम है द डार्क साइड ऑफ जापान। इंटरनेशनल मार्केट में MT10, MT09, MT07 और MT03 मौजूद है। और हमारे पास आज यह जो बाइक खड़ी है, यह MT लेवल की एंट्री लेवल बाइक यामा MT15। यामाहा मोटर इंडिया ने हाल ही में अपनी नई 2019 यामाहा MT15 नेकेड मोटरसाइकिल को लॉन्च किया है और ये कंपनी की MT रेंज की सबसे सस्ती बाइक है। कंपनी ने इस बाइक की कीमत 1.36 लाख रुपीस रखी है और ये पॉपुलर यामाहा YZF R15 V3.0 का नेकेड वर्जन है, जिसे पिछले साल लॉन्च किया गया था। सबसे बड़ी बात, MT15 अपने फुल्ली फेड भाई से सिर्फ 3,350 रुपए ही सस्ती है। MT15 में डेल्टा बॉक्स फ्रेम का इस्तेमाल किया गया है, लेकिन इंडोनेशिया स्पेसिफिकेशन यामाहा MT15 वाला नहीं, जिसमें USD फ्रंट फॉक्स दिए हैं। भारतीय मॉडल में रेगुलर टेलीस्कोपिक सस्पेंशन दिए गए हैं। इसके अलावा बाइक में फ्रंट मडगार्ड सामान्य R15 वाला ही दिया गया है। रियर यूनिट में स्विंग आर्म माउंटेड लिंक सस्पेंशन सिस्टम दिया गया है। भारतीय स्पेसिफिकेशन MT15 में सिंगल चैनल ABS यूनिट दिए गए हैं, जबकि R15 में डुअल चैनल ABS मिलता है। बाइक के फ्रंट और रियर में 17 इंच के व्हील्स मिलते हैं, यानी फ्रंट में आपको 100x80 सेक्शन टायर और रियर में 140x70 सेक्शन टायर मिलेगा। ब्रेकिंग के तौर पर फ्रंट में 282mm डिस्क और रियर में 220mm डिस्क दी है। यामा MT15 में कंपनी ने वही इंजन दिया है जो आपको यामा R15 में देखने को मिलता है। इसमें दिया गया 155cc सिंगल सिलेंडर 4 स्ट्रोक इंजन 19.3 PS की पावर और 14.7 Nm का टॉर्क जनरेट करता है। ये मोटर 6 स्पीड मैनुअल गियर बॉक्स के साथ एक स्लिपर क्लच से लैस है, लेकिन यामाहा ने फाइनल गियर रेशियो और ECU सेटिंग में बदलाव किए हैं ताकि बेहतर लो और मिड रेंज पावर मिल सके। अब बाइक की डिजाइन की बात करें तो इसमें कुछ संकेत ग्लोबल MT रेंज वाली दी गई है, यानी इसका आक्रामक स्टांस और मस्कुलर स्टाइलिंग दिखने में काफी अच्छा है। फ्रंट में बाइक लोअर फेसिंग चिन्ह के साथ स्लीक बाई फंक्शन LED हेडलैम्प्स के साथ आती है। वहीं रेयर में बाइक में एक छोटी टेल के साथ LED टेल लाइट्स दी गई हैं। इसके अलावा बाइक में इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के लिए फुल्ली डिजिटल LCD डिस्प्ले के साथ गियर शिफ्ट इंडिकेटर दिए गए हैं। डायमेंशन की बात करें तो R15 के मुकाबले यामाहा MT15 की लंबाई 30mm और चौड़ाई 75mm ज्यादा है। हालांकि ये 65mm छोटी भी है और ये अब R15 के मुकाबले 5mm छोटी सीट हाइट के साथ आती है। बाइक का वजन भी 4 किलोग्राम हल्का होकर 138 किलोग्राम हो गया है और ये 10 लीटर फ्यूल टैंक के साथ आती है। इस बाइक की राइड क्वालिटी कैसी है, परफॉर्मेंस कैसी है, इसके बारे में जल्द ही हम आपको बताएंगे। इसके साथ ही आपको यह वीडियो कैसा लगा, लाइक शेयर कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही अगर अभी तक आपने हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे भी जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें।